हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोर्थ फ्रंट ब्राउज़र की सच्चाई क्या है, क्यों ये फोर्थ फ्रंट ब्राउज़र आप सभी को एक लिंक के ऊपर क्लिक करने के आपको पैसे दे रही है, क्यों इनको क्या फ़ायदा हो रहा है उनके क्लिक्स के ऊपर, उनके वो लिंक के ऊपर क्लिक करवाने से। और दोस्तों, वो उन लोगों का एक सच्चाई, एक और सच्चाई भी है जो आप सभी को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिना कोई स्किप किए। सो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप सच्ची में फोर्थ फ्रंट ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कर दोगे, जिससे आपको यहाँ पे अपनी फ़ोन की सेफ्टी होगी और आपकी जो भी डेटा है वो भी आपका सेफ रहेगा। तो सबसे पहले आपको मैं सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन देने वाला वो ये है कि फोर्थ फ्रंट ब्राउज़र आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। कैसे हैक कर सकता है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। जब भी आप फोर्थ फ्रंट ब्राउज़र में पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आप जॉइंट रिवॉर्ड प्लान में जाके एक लिंक को किसी को भी क्लिक करवाओगे, तो वो जब लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और आपके फ़ोन से जो लिंक उनको सेंड किया हुआ है, वो दोनों का फ़ोन की डिटेल्स, दोनों के फ़ोन की वेबसाइट की डिटेल कंपनी वालों के पास जाती है, और कंपनी वाला जब भी चाहे तब आपके फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, कोई भी एक वीडियो के यहाँ पे दिखा, सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। बाद में यहाँ पे मैं व्हाट्सअप में शेयर करता हूँ। जैसे कि ये सेविंग डेटा क्यों आता है, डायरेक्ट क्यों नहीं चला जाता है, ये सेविंग मीडिया आता है तब तक यहाँ पे आपका फ़ोन हैक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, प्लीज़ वेट, आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत लोडिंग ले रहा है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ एक मिनट। जैसे कि यहाँ पे आ गए दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप एक ग्रुप में या किसी को भी शेयर करोगे तो ये यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे लिंक मैंने डाल दी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिंक के ऊपर जो ये कोड दिख रहा है 517EC4B, ये यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपके फ़ोन की वेबसाइट का लिंक होता है। अगर वो शेयर हो जाता है तो आपका डेटा भी शेयर हो जाता है। अगर आप कोई अपने ब्राउज़र में फिर से कोई भी ब्राउजिंग करोगे तो उसका इन्फॉर्मेशन ये कंपनी वाले को जाता है। कंपनी वाले इसलिए आपको पैसा दे रहे हैं क्योंकि आप अपना डेटा शेयर कर रहे हो। दोस्तों, डेटा शेयर मत करो, ऐसे काम मत करो जिससे आपको यहाँ पे गलती से आपका कभी नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले मैं भी इस फोर फोन एप्लीकेशन में, मुझे लगा कि ये भी एक रियल एप्लीकेशन है तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा था, और अभी दोस्तों ये फोर फोन एप्लीकेशन का वीडियो मैं अभी नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये फोर फोन एप्लीकेशन आपके डेटा को हैक कर देती है। अगर देख सकते हैं, अगर आपके इसके खुद के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक तो बढ़ते हैं बट आपका क्लिक काउंट नहीं होगा। आपको लगेगा कि कोई आपके लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा है, क्यों आपके लिंक के ऊपर को आपके उसके पैसे नहीं मिलते। अगर आप 50 लोगों को शेयर कर दे, ठीक है, बाद में 10 लोग तो आपके क्लिक के ऊपर, आपके लिंक के ऊपर क्लिक तो करेंगे बट क्यों आपके क्लिक काउंट नहीं हो रहे, वो समझने की बात है। वो जब वो क्लिक वो उसके ऊपर करता है तो उसका भी डेटा शेयर हो जाता है। सो मीन्स जिसका भी डेटा शेयर हो जाएगा उसका क्लिक आपको मिल जाएगा, और जिसका सिक्योरिटी वाला डेटा होगा उसका आपको क्लिक काउंट नहीं होता है। सो उसके आपको कंपनी पैसे नहीं देती। एक बार उनको डेटा मिल जाता है तो बाद में क्या, बाद में तो वो उस डेटा को रीयूज़ तो कर सकता है कभी भी, दूसरी बार डेटा लेने का क्या फ़ायदा है। इसलिए आपका दूसरी बार जो भी क्लिक करता है उसके आपके पैसे नहीं मिलते हैं। आप सिर्फ दोस्तों सिर्फ थोड़े पैसे के लिए आप यहाँ पे अपने डेटा शेयर कर रहे हो, आपको क्या मिलता है, सिर्फ एक क्लिक करने का 0.70 पैसा, क्यों इतना ही पैसा मिलता है। और 0.70 पैसा ही क्यों मिलता है, आपको 1 रुपये भी वो दे सकती है, 2 रुपये भी दे सकती है, बट क्यों आपको 0.70 पैसा ही देता है, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा यहाँ पे इन लोगों ने सब कुछ सेटअप किया हुआ है कि अगर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करोगे तो उनको यहाँ पे बहुत सारा पेटीएम देना पड़ेगा।
अगर ज़्यादा पेटीएम देना पड़ेगा तो उनके पास डेटा तो कम आएगा बट ज़्यादा पेटीएम देना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे मैं प्ले स्टोर में जाकर भी उनके रिव्यूज़ भी थोड़े दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं फोर फोन लिखता हूँ, इसकी रेटिंग भी आप देख सकते हो, इसमें तो रेटिंग अच्छी है बट जब आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडियल टेक्निकल ने कैसा लिखा है, आई विश देयर इफ एन जीरो स्टार इन प्ले स्टोर दिस एप्लीकेशन डिजर्व इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको मैं गुजराती में ट्रांसफ़र हिंदी में ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर प्ले स्टोर में जीरो स्टार का एप्लीकेशन का सिस्टम होता है तो मैं इस एप्लीकेशन को जीरो स्टार देता वरना, क्योंकि इनको क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ये 7 रुपये तक पहुँच जाते हैं तो बाद में इनके पैसे ऐड नहीं हो रहे थे, इसलिए इन्होंने बोला कि अगर जीरो स्टार होता तो मैं जीरो स्टार इस एप्लीकेशन को देता। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे भी कुछ है, क्लिक नॉट रिसीव आफ्टर रीचिंग 7 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 रुपीज़ के बहुत यहाँ पे आते हैं, 7 रुपीज़ होने के बाद किसी के यहाँ पे क्लिक्स नहीं बढ़ रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक नॉट इंक्रीज, क्लिक्स इनके बढ़ नहीं रहे बाद में। यहाँ पे देख सकते हैं 7 रुपये उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ओनली 4 एडेड दिस आफ्टर नॉट एडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी बैड एप्लीकेशन इन्होंने लिखा है, 4 रुपये इनके ऐड हुए बाद में ऐड नहीं हो रहे। क्यों ऐड नहीं हो रहे, क्योंकि उनके जो भी जो डेटा उनके शेयर हो रहे थे उनके पास काफ़ी डेटा आ चुके हैं, अभी वो लोग किसी को पैसे भी नहीं देने वाले। और अगर आप इनके दूसरे भी एक एप्लीकेशन है न्यूज़ डॉग, ये न्यूज़ डॉग सबसे उनकी पहली एप्लीकेशन थी और अभी ये फोर फोन उनकी दूसरी एप्लीकेशन है। न्यूज़ डॉग में वो क्या करते हैं, अपने आपको इंस्टॉल करवाते हैं और आपके फ़ोन में अगर जो इंस्टॉल करेगा और न्यूज़ में अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो भी आपका डेटा हैक कर सकते हैं। तो अभी न्यूज़ डॉग में तो आप सभी को पता है कि अभी वो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी लोग को रेफ़र कर लो, तो बाद में जब आप 250 रुपये का पेटीएम रिडीम लगाओगे तो आपको पेटीएम नहीं मिलेगा। क्या बोल देंगे, इनवैलिड क्लिक के कारण आपको पेटीएम नहीं दिया जा रहा और आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको ब्लॉक कर देते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी 0-1 स्टार दिया हुआ है, फेक ऐप। यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ अ नेगेटिव स्टार ऐप, फ्रेंड डोंट डू स्टूपिड थिंग्स, 10 रुपये के लिए आप ये सब मत कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेक दिस ऐप इस ऑफ समी, इन्होंने लिखा है सिर्फ इनको क्या हुआ 300 रुपये मिल चुके होंगे शायद, इनका डेटा बहुत ज़्यादा शेयर हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेक ऐप, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लोगों ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते इनको क्लिक क्यों नहीं बढ़ रहे, ये इन्होंने लिखा है कि मेरे क्लिक्स क्यों नहीं बढ़ा, आंसर प्लीज़, किसी को आंसर नहीं देते। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेक ऐप, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फेक ऐप वाले हैं जो आपको मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, बहुत लोगों ने यहाँ पे 1 स्टार दिया है, 2 स्टार दिया है। तो दोस्तों प्लीज़ इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो, आपके सामने मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इसको इंस्टॉल वापस किया था, वरना तो मैंने इसको अनइंस्टॉल ही कर दिया था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, और अनइंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इनको 1 स्टार दे देना है, 1 स्टार देने के बाद सबमिट कर देना है, इज़ दिस गुड ऐप नो कर दो, फ्रेंड के साथ पिन शेयर करता है नो कर दो, और यहाँ पर लिख दो फेक ऐप। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो प्ले स्टोर वाला ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्टार आ जाएगा तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में से निकाल देगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आपको रियली में पेटीएम अर्न करना है तो आपके लिए मैं पेटीएम अर्निंग की एप्लीकेशन लाऊँगा, जो भी रियल एप्लीकेशन होगी उनका इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाऊँगा, जिससे आपको पेटीएम अर्निंग घर बैठे बैठे आराम से रोज़ की 50 रुपये तक की अर्निंग कर सकते हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, साइनिंग आउट।